ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के द्वारा आज अपने मांगों को लेकर रेल कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए राजेंद्र नगर स्टेशन में जागरूकता मार्च निकाला गया। यूनियन के द्वारा महंगाई भत्ता पर रोक लगाने, श्रम कानूनों में हो रहे बदलाव का विरोध किया गया। यूनियन के महामंत्री SNP श्रीवास्तव ने यह बताया कि सरकार की नीतियों के विरोध में रेल कर्मचारियों के बीच 1 से 6 जून तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और 8 जून को पूरे देश में काला दिवस मनाया जाएगा। मनीष कुमार, SDF न्यूज, पटना। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर पूरे भारत वर्ष में 1 जून से लेकर 6 जून तक हम रेल कर्मचारियों के बीच में जो भारत सरकार ने मजदूर विरोधी नीतियों को अपनाने का काम किया है, एक तरफा महंगाई भत्ता को बंद करके श्रम कानून में बदलाव का इरादा रखते हुए, मल्टी स्किल का रखते हुए, प्राइवेटाइजेशन करने के सवाल को लेकर हम रेल कर्मचारी बहुत ही आक्रोशित हैं और इस जन जागरण के थ्रू मैं रेल कर्मचारियों को सरकार की नीतियों के बारे में अवगत करा रहा हूं और 8 तारीख को, 8 जून को काला दिवस, प्रोटेस्ट वीक, पूरे भारतीय रेल में रेल मजदूर काला बिल्ला लगाकर अपना हम विरोध प्रकट करने का काम करेंगे।